प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से दशमांश क्या है और यह क्यों देना चाहिए, इसके विषय एक गहरा अध्ययन लेकर आई हूँ। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल के आधार पर आज हम दशमांश के विषय कुछ गहरी बातों को सीखेंगे व समझेंगे कि दशमांश क्या है और यह क्यों देना चाहिए। पहले हम समझेंगे कि दशमांश क्या होता है। दशमांश अर्थात टाइथ, इसका मतलब होता है अपनी कमाई का दसवां हिस्सा परमेश्वर को देना, उसके राज्य में बोना, उसके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो दशमांश को हम प्रभु के राज्य के सभी प्रकार की उन्नति के लिए बोते हैं, क्योंकि बाइबल स्पष्ट करती है कि प्रभु यीशु हमारा सिर है तथा कलीसिया उसकी देह। तो हमें प्रभु के साथ ही मिलकर उसके राज्य के कार्य को भी करना है। तो दशमांश बेसिकली प्रभु के राज्य में उसकी उन्नति को करने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि दशमांश की शुरुआत बाइबल में कहाँ से हुई। इसके लिए हम एक आयत को पढ़ेंगे जहाँ इब्राहिम राजा मलिक सिदिक से मिला। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 14 के वचन 20 में दर्शाया गया है, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको अर्थात मलिक सिदिक को अब सबका दशमांश दिया। तो यह हम देख सकते हैं कि अब्राहम ने भी राजा मलिक सिदक को, जो कि वहाँ का याजक भी था और परमेश्वर का जन भी था, उसे अब्राहम ने दशमांश दिया। तो उत्पत्ति की पहली पुस्तक ही दशमांश का जिक्र करती है। तो हमें इस आयत को भी ध्यान में रखना है कि यह पहला दशमांश था बाइबल का, जिसमें स्पष्ट होता है कि परमेश्वर ने ही अब्राहम के विद्रोहियों को उसके वश में करके उसे जीत की रकम दिलाई थी, और फिर जिसका दशमांश अब्राहम ने राजा मलिक सिदिक को, जो वहाँ का याजक था और प्रभु के भवन में कार्य करता था, उसे दिया। तो आप समझें कि जो प्रभु ने हमें दिया उसी में से हम प्रभु को भेंट देते हैं। यहाँ यह भी ध्यान दें कि परमेश्वर ने सबसे उत्तम हमें आत्मिक शांति व जीवन दिया है, जिसका तो कोई मोल ही नहीं है। यह तो सबसे बड़ी आशीष है हमारे लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है। क्या हम इसके बदले उसे कुछ दे सकते हैं? नहीं। ध्यान दें मेरे भाइयों बहनों कि परमेश्वर हमसे इसके बदले कुछ नहीं चाहता, फिर भी हम दशमांश देते हैं। हमें दशमांश अपनी इच्छा व खुशी से देना चाहिए, जिससे परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने में हमारी भी सहभागिता हो। जैसे आप देखें कि जिस भी चर्च में हम परमेश्वर का संदेश सुनने जाते हैं, वहाँ के खर्चे भी होते हैं, जैसे बिजली का बिल, माइक, साउंड सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम इत्यादि। इनके खर्चे और पास्टर जो हमें सदा परमेश्वर का वचन सिखाते हैं और दिन रात प्रभु की ओर से हमारी आत्मिक उन्नति की सेवा के लिए हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, उनका व उनके परिवार का गुजारा कैसे होगा? उन्हें भी तो रहने खाने की आवश्यकता होती है, और वो तो कोई दूसरी नौकरी या दूसरा कोई कार्य भी नहीं करते सिवाय चर्च की सेवा काय के, और इसके अलावा चर्च के द्वारा ही अन्य गतिविधियों का आयोजन भी किया जाता है, जैसे क्रूसेड, हीलिंग मिनिस्ट्री और सुसमाचार के पर्चे बांटना इत्यादि। यह सब कार्य भी पैसों से ही किए जाते हैं, जिसके लिए हमें मिलकर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक का नहीं वरन सारी कलीसिया की जिम्मेवारी है। तो इसके लिए भी हमें हर्ष और उल्लास के साथ दशमांश देना चाहिए। यहाँ एक बात समझें कि हम अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी खर्चा करते हैं, तो हमें अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता है। जहाँ से हम परमेश्वर के वचन के ज्ञान को सीखते व समझते हैं, जो हमें प्रभु की गहरी और गूढ़ बातों का ज्ञान देते हैं, फिर चाहे वह कोई चर्च हो, कोई बाइबल कॉलेज हो या कोई अन्य मिनिस्ट्री, जिससे भी आपकी आत्मिक उन्नति हो, वहाँ आपको अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा अपनी इच्छा के अनुसार देना चाहिए, और वह भी हर्ष के साथ, आनंद के साथ, जैसा कि लिखा है दूसरा कुरुंतियों अध्याय 9 के वचन 7 में, कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे,
ना कुछ गुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। तो इस आयत से भी स्पष्ट हो जाता है कि हमें हर्ष के साथ बोना चाहिए, बिना किसी दबाव के उत्साह के साथ परमेश्वर के राज्य का सहभागी होना चाहिए, और कम से कम हमें अपनी आमदनी का दसवां हिस्सा तो देना चाहिए। ध्यान दें कि परमेश्वर हर्ष से बोने वालों को पलटकर उसकी दुगनी आशीष देता है। और यदि कोई व्यक्ति किसी दबाव में आकर या कुड़कुड़ा कर दे तो उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। क्योंकि जितना परमेश्वर आपको देता है, आप कभी भी उससे ज़्यादा उसे नहीं लौटा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें अपरंपार आशीषें दी हैं। दशमांश और भेंटे आपके श्रद्धा व विश्वास के आधार पर होती हैं। सबसे प्रथम तो एक विश्वासी को पहले परमेश्वर के वचन में बढ़ना चाहिए, उसके पश्चात ही वह खुद ही दशमांश व भेंट के विषय गहराई से समझने लगता है। दशमांश के लिए किसी भी चर्च को भी कोई दबाव नहीं बनाना चाहिए। मनुष्य आप ही अपने दशमांश व भेंटों को निर्धारित कर सकता है। तो आप यहाँ समझ ही गए होंगे कि दशमांश क्या है और यह क्यों देना आवश्यक है। और ध्यान दे भाइयों बहनों कि हर एक विश्वासी को दशमांश व ऑफरिंग देनी चाहिए, क्योंकि जिस राज्य से वह परमेश्वर के स्वर्गीय ज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वहां उसे स्वयं भी कुछ भागीदारी करनी चाहिए। ऐसा करके वह अपनी ही आर्थिक उन्नति करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में बोया गया धन फलवंत होता है तथा 100 गुना फल भी लाता है, क्योंकि वह किसी गलत स्थान या बुराई के लिए नहीं बोया गया, वरन अच्छे राज्य में अच्छे कार्यों में बोया गया है, जो अवश्य फलवंत होगा ही। और जो भी प्रभु के सेवक व दास हैं, उन्हें भी उनकी ज़रूरतें पूरी करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए बाइबल भी दर्शाती है कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलना आवश्यक है। तो परमेश्वर किसी को भी कमी घटी में नहीं रहने देना चाहता। वह तो यह चाहता है कि हम भरपूरी में अपना जीवन बिताए, कंगाली में नहीं, क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु क्रूस पर पहले ही हमारे लिए कंगाल हो गया ताकि हम धनी हो जाएं। तो आप ध्यान दें यहाँ कि दशमांश हमारी ही आर्थिक बढ़ोतरी के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए तथा सबको अपनी आमदनी के अनुसार हर्ष के साथ बोना चाहिए। यहाँ आगे एक आयत को हम और देख लेंगे, जो कि लिखी है मलाकी की पुस्तक अध्याय 3:10 में, जहाँ ऐसा लिखा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। यहाँ इस वचन में भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमें दशमांश के विषय सिखाते हैं और कहते हैं कि हमें दशमांश परमेश्वर के राज्य में देना चाहिए, और यह वायदा भी करते हैं कि वह इसके बदले हम पर अपरंपार अनुग्रह करते हैं। वह हमसे लेकर हमें उसका 2 गुना लौटाते हैं। तो दशमांश भेंट हमारी ही उन्नति के लिए है, तो इसकी चोरी ना करें, अर्थात इसे जरूर दें। और एक बात और कहना चाहूँगी आपसे कि यदि आप चर्च में देने के अलावा किसी बहुत ज़रूरतमंद की मदद भी करना चाहें, तो वह भी दशमांश और ऑफरिंग की ही समानता में है। वह आप प्रार्थना करें कि प्रभु आपको बताए कि आप अपना दशमांश कहाँ दें और किसे दें, और जब कभी आपको लगे तो आप दशमांश के स्थान पर ऑफरिंग भी डाल सकते हैं। उसमें कोई आपके साथ तब जबरदस्ती नहीं। जैसा कि जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे, उसी प्रकार से आप ऑफरिंग भी दे सकते हैं। परंतु परमेश्वर के राज्य में सदा और आनंद से और हर्ष से बोते रहें, और फिर उसकी कटनी को आप अवश्य काटेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर भला है। वह उदारता से अपरंपार देने वाला परमेश्वर है। वह हमसे ही लेकर हमें उसका 100 गुना लौटाने वाला परमेश्वर है। बस हमें अपने हृदयों में परमेश्वर के राज्य में उत्तम आशीष के साथ, उत्तम हर्ष के साथ बोने की आत्मा को रखना चाहिए। बिना कुड़कुड़ाए, बिना किसी दबाव के हमें सदा हर्ष से परमेश्वर के राज्य में दशमांश और ऑफरिंग को बोते रहना चाहिए। हालेलुया। आशा करती हूँ इस दशमांश के विषय ये संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।